हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज कविता की मुंह दिखाई है। सारे मोहल्ले की औरतें कविता को देखने दामिनी के घर आती हैं, जहां उन सबकी बहुत खातिरदारी होती है। तभी उनमें से एक औरत विमला मजाक करते हुए बोलती है, अरे आज तो जश्न होगा दामिनी के घर में। हमारे आने की खुशी में देखो, दामिनी ने तो अपने घर को दुल्हन की तरह सजा दिया है। एकदम सही पकड़ी हो विमला, तुम्हारे आने की खबर सुनकर ही तो मैंने घर को दुल्हन की तरह सजाया है, वरना कहाँ करती ये सब। अब तुम मेरी दूर की दोस्त जो ठहरी। बस बस, ज्यादा तारीफ हो गई। अब तो अपनी बहू का मुखड़ा दिखा दे, कब तक अपनी बहू को ऐसे छुपा कर रखेगी। अब तो हमसे सबर ही नहीं हो रहा। अरे मेरी सहेलियों, सबर रखो, तभी तो सबर का फल मीठा मिलेगा। वैसे भी मैं तो चाहती हूँ तुम सब मेरी बहू का चेहरा देखने के लिए और भी ज्यादा बेसबर हो जाओ, और मेरी बहू को देखते ही तुम सबकी बोलती बंद होने वाली है। अरे ऐसा क्यों बोल रही है? तुम्हारी बहू कहीं की परी है क्या, जो उसे देखते ही हमारी बोलती बंद हो जाएगी? अब बिना बकवास करे अपनी बहू को बुलवा। रुक, अभी बुलवाती हूँ। सबसे पहले मेरा बेटा आएगा, जमकर उसकी तारीफ करना, उसकी ही तो पसंद है, इसीलिए सबसे पहले उसे बधाई देना, सुंदर बहू लेकर आया है। ऐसे ही सभी लोग मजाक करते हैं। थोड़ी देर बाद दामिनी का बेटा साहिल आता है। तभी विमला और शांति उसे देखकर साथ में बोलती हैं, क्या बात है। अब आप सबको एक ही रात में क्या हो गया, जो आप लोग मुझे हीरो कह के मेरी टांग खिंचाई कर रही हो? क्या बात है माँ? क्या बात है, कैसी बात है? जो भी बात है ये बात अपनी आंटियों से ही पूछ लो। हाँ आंटी जी, बताइए ऐसा क्या हो गया मेरे साथ, जो आप लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? बेटा अब तू शादीशुदा मर्द हो गया है, अब हमारा छोटा बच्चा नहीं रहा तू। अच्छा मैंने सुना है लड़की बहुत खूबसूरत है, तो जैसे लड़के से कैसे फंस गई? खूबसूरत है तभी फंस गई, दिमाग वाली होती तो शायद ना फंसती। अब कर भी क्या सकते हैं, बेचारी फंस गई तो फंस गई। वो बेचारी है या तू, इतना बता दे हमको। बस बस अब बहुत हो गया मजाक, जा बेटा बहू को लेकर आ जा, सभी लोग बहू को देखना चाहते हैं। चाहते हैं? अरे हम तो बहू को देखने के लिए कब से बेसबर हो रखे हैं। मैं तो कब से बोल रही हूँ बहू का मुखड़ा दिखा दे, लेकिन कभी कुछ बोलती है तो कभी तुझे हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर कविता को लेकर आता हूँ, आप लोग थोड़ी देर इंतजार कीजिए। हाँ अब हम इतने सालों तक इंतजार कर सकते हैं, तो अब और कुछ पल क्यों नहीं। जा बेटा, जा अपनी बहू को लेकर आ। विमला की बात सुनकर साहिल अपनी बीवी कविता को लेकर आता है और सभी के बीचों बीच बिठा देता है। सभी अब बातें करते हैं कि सबसे पहले बहू की मुंह दिखाई की रस्म कौन करेगा। तभी शांति बोलती है, देखो सहेलियो, हम सब में से मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मेरा हक सबसे पहले हुआ ना बहू की मुंह दिखाई करने का। अरे बड़े छोटे की बात नहीं है, यहाँ जिसको पहला मौका मिलेगा वही बहू की मुंह दिखाई की रस्म करेगा, बस बात खत्म। अरे अब क्या हम सब प्रतियोगिता करेंगे? वाह भाई वाह, खुद का नहीं आ रहा नंबर तो अब किसी का भी नहीं आएगा। अरे दामिनी मैं बोल रही हूँ कि बड़ों से छोटे ही बहू की मुंह दिखाई की रस्म करेंगे, बस। ठीक है जैसा आप बोलो, बस अब खुश। चलो बहू अब अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार हो जाओ, सभी लोग तुम्हारी प्यारी सी शक्ल देखने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। देखिए माँ जी, मैं अपनी मुंह दिखाई नहीं कर सकती, अगर मैंने अपना मुंह दिखा दिया तो सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रही है बहू, कुछ गड़बड़ है क्या? मैं नजदीक आती हूँ, मुझे बता दे। एक मिनट, नजदीक कोई भी नहीं जाएगा। एक काम कर बहू, हम सब तेरे मुंह दिखाई का गिफ्ट यहीं रख देते हैं, तू अपना चेहरा सबको एक ही बार में दिखा दे। आप समझ नहीं रही हो, मैं नहीं दिखा सकती आप सबको अपना चेहरा। हम तो एक साथ ही बहू का चेहरा देखेंगे। ऐसा बोलते ही सभी एक साथ बहू का घूंघट उठाकर देखते हैं। तभी विमला बोलती है, पापड़ वाली बहू, आप मतलब मेरा मतलब है पापड़ खाती हुई बहू। अरे मेरा मतलब पापड़ खा रही बहू। जी हाँ, इसीलिए तो मैंने मना किया था आप सबको मुंह दिखाने से। अब अच्छा थोड़े लगता है कि पापड़ वाली बहू का मुंह दिखाई हो।
पापड़ वाली बहू मतलब पापड़ खाती हुई बहू बोलना चाहती है। ओहो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं तो साफ साफ बोल रही हूँ कि मैं पापड़ वाली बहू हूँ आप सबकी। मतलब क्या है तुम्हारा, साफ साफ बताओगी? क्योंकि हम लोगों को तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। ओफो माँ जी, आप कितनी देर में बात समझती हो। मैं एक पापड़ वाली हूँ जो गरीब घर की हूँ, खुद का पेट पालने के लिए पापड़ बनाकर बेचा करती थी, इसलिए हुई ना आप सबकी पापड़ वाली बहू। पापड़ वाली बहू की मुंह दिखाई हुई है आज दामिनी। साहिल, जहाँ कहीं भी तू है यहाँ अभी और इसी वक्त आ जा, वरना आज तेरी खैर नहीं। दामिनी गुस्से से आग बबूला होती है और साहिल पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन साहिल के वहाँ ना होने की वजह से कुछ कह नहीं पाती। अब शांति दामिनी को समझाते हुए बोलती है, अरे दामिनी इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अब तेरे गुस्सा करने से बहू का पापड़ होने वाली का सच तो नहीं बदल जाएगा ना? लेकिन शांति, अब सारे रिश्तेदार मुझे पापड़ वाली के सास कहेंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आज मैं एक पापड़ वाली बहू की मुंह दिखाई करवा रही हूँ। ओहो, समझने की कोशिश कर दामिनी, ये बेचारी बच्ची जो सच थी तुझे बता दी, अब इसके जगह कोई और होता तो शायद बताता भी ना। हाँ तो और भी अच्छा होता ना, अगर मुझे नहीं बताने से मेरी इज्जत बनी रहती तो वही सही रहता। मुझे तो वैसी बहू चाहिए थी जो अपना सच सबके सामने छुपा कर रखे। लेकिन मैं तेरी इस बात से नाराज हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो सही है। कल को तुम दोनों बाहर निकलोगे बीच बाजार में, ओ पापड़ वाली की सास, ऐसा बोलेंगे लोग तो तुझे कैसा लगेगा? तुझे उनके मुंह से सच जानकर अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हाँ गलत तो बहुत है, इसीलिए मुझे कविता बहू की बहुत अच्छी लगी ये बात। हमारे लिए तो पापड़ वाली बहू की मुंह दिखाई की रस्म मानी ही जाएगी। शांति और विमला के समझाने पर दामिनी अब पापड़ वाली बहू की मुंह दिखाई की रस्म फिर से करती है और सभी बहुत खुश थे कविता की सच्चाई से। तभी वहाँ साहिल आता है और बोलता है, माँ आपने मुझे बुलाया था क्या? वो माँ, मैं मिठाई लेने के लिए बाजार गया था, इसीलिए आपके बुलाने पे आ नहीं पाया, मुझे माफ कीजिएगा। अब बताइए क्या बात है? अरे कोई बात नहीं बेटा, हम बस ये कहना चाहते हैं कि तूने बड़ी सुंदर और सीधी बहू पाई है, मन खुश हो गया और दिल जीत लिया तूने बेटा। ऐसा क्या कर दिया आपकी बहू ने जो आप इतनी तारीफ किए जा रही हो? अच्छा माँ, एक बहुत जरूरी बात करनी है कविता के बारे में, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कौन सी बात बेटा जो हमको मालूम होनी चाहिए? यही ना कि हमारी बहू पापड़ वाली है। हाँ माँ, बात तो यही है, मैं आपसे यही बोलना चाहता था। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग इतनी जल्दी आसानी से मान कैसे गए। आसानी से तो नहीं मानी और ना ही मानने वाली थी, लेकिन बहू की सच्चाई और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया, और साथ ही तेरी आंटियों ने भी मुझे बहुत समझाया। तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं है कविता के पापड़ वाली होने से? और आपको पता है कविता कौन सा पापड़ बेचती है? उसकी खुद की फैक्ट्री है पापड़ की। क्या फैक्ट्री है कविता की? हाँ क्यों, आपको ये नहीं बताया उसने कि दिल्ली के सबसे बड़े पापड़ फैक्ट्री की मालकिन है वो? अरे वाह, मतलब दामिनी अब तेरे घर में पापड़ की कभी कोई कमी नहीं होगी। तुझे जो पापड़ पसंद है आखिरकार उसी पापड़ की फैक्ट्री की मालकिन को बहू बनाया है तूने। लेकिन अभी भी कुछ भी हो जाए या फिर मेरी कितनी भी अमीर बहू क्यों ना हो, लेकिन लोग तो हमेशा मुझे ताने ही मारेंगे। ताने? ताने क्यों मारेंगे? पागल हो गई है क्या तू? तुझे क्यों कोई ताना मारेगा? क्यों और क्या बोलकर ताना मारेगा तुझे कोई? यही बोलकर कि पापड़ वाली बहू की मुंह दिखाई करने वाली सास। जैसे ही दामिनी ऐसा बोलती है सभी बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं, और फिर पापड़ वाली बहू की मुंह दिखाई की रस्म भी हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।